सकते हो, उस काम को करने के लिए आपको 30 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो जरूरी यह है कि हम उस काम को कम समय में निपटा लें। इज दैट क्लियर? उसके पीछे हमें बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग थोड़ा सा बोले जाए। हाँ ठीक है, कंपनी है आपकी, कंपनी में आपको थोड़ा सा ये जरूर चूज करना है कौन अच्छा है कौन बुरा है, किस तरीके की आपकी पहचान कैसे बनती है, पता है आपकी पहचान। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, ये क्या है, मैंने क्या लिखा, 13 लिखा ना, या कोई इसको 103 भी बोल सकता है, है? और किस तरीके से लग रहा है, अल्फाबेट बी के तरीके से भी लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, ये 13 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है ना, लेकिन डाउट है, डाउट ये वर्ड क्रिएट कर रहा है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अब ये क्या है, कंफर्म हुआ कि नहीं, जबकि मैंने उस वर्ड को टच किया है, है? लेकिन अब सब सबने एक भाषा में बोला कि अब ये क्या है, कैसे पता चला, इसकी पहचान कहां से बदली, बिल्कुल इसकी पहचान बदली इसने और इसने, समझ में आ गया ना, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब ये बी हो गया, अगर मैंने क्या किया, मैंने इसको अब ये क्या है, इतना बड़ा बड़ा इसमें बदलाव देखने का मिल रहा है, जबकि हम इस वर्ड को टच भी नहीं कर रहे, इस लेटर को हम टच भी नहीं कर रहे हैं, समझ में है ना, इस अक्षर इस डिजिट गिनती जो भी मान लो, आई एम नॉट टचिंग इवन, लेकिन इसमें बदलाव आ जा रहा है ना, क्यों बदलाव आ रहा है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग से इसकी पहचान बन रही है, आपके दोस्तों से ही आपकी पहचान बनती है, समझ में ना, आप कैसे हो ये आपके दोस्त डिसाइड कर देंगे। अगर आपके दोस्त दो चार अच्छे नहीं है, आप उनके साथ घूम रहे हो, तो लोग आपकी भी वैल्यू उसी में आती है ना, अरे जब छोड़ो, जब इसके यार दोस्त ऐसे हैं तो उन्हीं से, ये सेंटेंस निकलता है, नहीं निकलता। तो आपको क्या करना है कि यू नीड टू फाइंड आउट गुड कंपनी, आपको थोड़ा सा वो कंपनी मेंटेन करनी है, और जब भी काम करो तो टीम वर्क में काम करो। अब जैसे न्यूज पेपर है आपको समझना है, आपको अगर न्यूज पेपर समझना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि न्यूज पेपर समझने के लिए हमारे पास न्यूज पेपर होना चाहिए, समझ में आएगा। आप सारे लोग एक काम करोगे, आज से ही हमने भी सर को बोल दिया है कि आप बात करो यहाँ के हॉकर से जिसका हाथ पेपर ऊपर आता है, एक न्यूज पेपर आप लेना शुरू कर दो, न्यूज पेपर इंग्लिश के, देखिए पहली बात इंग्लिश के न्यूज पेपर का उद्देश्य क्या है आप ये समझिए। मान लीजिए हम थोड़ा सा पूरे अयोध्या जिले की बात करूं, अगर अयोध्या फैजाबाद में 100 न्यूज पेपर आता है अंग्रेजी का, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, अगर 100 न्यूज पेपर आ रहे हैं तो उस 100 न्यूज पेपर के पीछे का एम क्या है आपको पता है, हम न्यूज पेपर क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी रीड न्यूज पेपर, हम न्यूज पेपर हम पढ़ते हैं तो हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं खबर जानने, राइट, ये तो मकसद होता है, न्यूज पेपर हम पढ़ते हैं खबर जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए, तो उस चीज को पढ़ेंगे तो अपडेट रहेंगे, देश दुनिया समाज में क्या हो रहा है हमको पता चलेगा। लेकिन अगर इंग्लिश के 100 न्यूज, आप ईमानदारी से बताइए, अगर आपको न्यूज जानना है तो आपके लिए अंग्रेजी न्यूज पेपर सही है कि हिंदी, अगर आपको न्यूज जानना है ऑब्वियसली हिंदी ही तो होगी ना, क्योंकि हिंदी इज आवर टंग, हिंदी हमारी टंग है ना, तो हम उसमें ज्यादा फेकर से समझ सकेंगे ना। आप एक अंग्रेजी का न्यूज पेपर लोगे तो क्या आपको उसमें कटेरी और इंडिया गढ़ की खबर मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। लेकिन हिंदी का दैनिक जागरण अमर उजाला ले लोगे तो सब पता चल जाएगा, किसके घर में चोरी हो गई, किसकी भैंस चोर गई, क्या हो गया, पता चलेगा नहीं बड़ा। तो हम लोगों का वास्तव में उद्देश्य अगर सिर्फ न्यूज जानना है, देन हिंदी न्यूज़पेपर इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन व्हिच एवरीबॉडी हैज, जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इंग्लिश न्यूज पेपर को, अगर फैजाबाद जिले में 100 न्यूज पेपर आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई शेक्सपियर का जन्म हुआ नहीं, यहाँ शेक्सपियर का नाम लेता फैजाबाद, उसके पीछे का उद्देश्य पता क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को इम्प्रूव करना। In India, if 100 people are reading English newspaper, then only 20% people they have got the aim to go through news. Rest 80% people they have got only one aim to improve their English. हमारा लक्ष्य वहाँ पे न्यूज़ जानना नहीं है। हमारा लक्ष्य वहाँ पे क्या है?
न्यूज़पेपर हम किस लिए ले रहे हैं? यस, जैसे हम घर में एक डिक्शनरी लेते हैं, जैसे हम घर में बुक लेते हैं, जाके लेते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी का न्यूज़पेपर लेते हैं। किस लिए लेते हैं? क्योंकि हमें अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी इंग्लिश को मजबूत करना है, और अपनी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेते हैं। ये एम आपको समझ में आ गया ना? तो अगर आप न्यूज़पेपर ले रहे हो तो किस लिए ले रहे हैं? अब आज से मान लीजिए आपने शुरू कर दिया, ठीक, आज आप जाओगे सबके घर में, कॉलोनी में, गांव में न्यूज़पेपर देने वाला आता होगा, आज ही आप उससे कांटेक्ट करके आप अपनी इच्छा जाहिर करोगे कि प्लीज आई वांट इंग्लिश न्यूज़पेपर। आपको कौन सा न्यूज़पेपर देना है मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है। देयर आर मेनी न्यूज़पेपर्स इन इंग्लिश, है ना, खास करके जो हम लोगों के यहाँ आते हैं, तीन चार न्यूज़पेपर आपको मिलेगा, हिंदुस्तान टाइम्स मिलेगा, इंडियन एक्सप्रेस मिल जाएगा, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया मिल जाएगा, बाकी और सबसे बेहतर द हिंदू, बट यू विल नॉट गेट द हिंदू, आपको हिंदू यहाँ पे मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी तो दो दिन पुराना मिलेगा। तो हिंदू न्यूज़पेपर हम और पढ़िए, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा अवेलेबल की चीजें हो जाएगी, शुरुआत हमें करना है, समझ में ना? तो शुरुआत करना है तो कहाँ से शुरुआत करना है? हमने गिनती लर्न किया तो कहाँ से लर्न किया? 51, 52, 53, 1, 2, 3, राइट। तो शुरुआत तो हमारी बेसिक से होती है ना, शुरुआत तो बेसिक से होती है हम लोगों को, लेकिन बेसिक कभी मत भूलिएगा, जहां आपने बेसिक भूला वहीं से काम गड़बड़। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना? सचिन तेंदुलकर एक बार अपने करियर में बहुत 15 सालों 16 साल 17 साल क्रिकेट खेल चुके थे, और उसके बाद अभी आप लोगों को याद भी होगा अगर 2010 की आप पहले की कहानी, उनका बड़ा बुरा दौरा है, उनसे एक सेंचुरी नहीं बनती, मतलब पूरा पूरा मुल्क परेशान हो गया है कि किसी तरीके से एक शतक बना ले, और वो बंदा जो ऑलरेडी इंटरनेशनल में 80-90 शतक बना चुका था, दोनों फॉर्मेट टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों मिला के बना चुका, लेकिन उनसे एक शतक नहीं बन रहा, छोटी छोटी टीमों के खिलाफ बहुत छोटी छोटी टीम है, कीनिया उनको ऑल करके चला गया, जिम्बाब्वे के नया नया बॉलर है, 17-18 साल के बॉलर है, सचिन का विकेट लेके चले, आलोचनाएं शुरू हो गई, उनकी टीम से निकालने की भी बात होने लगी। अब चूंकि इतने बड़े प्लेयर थे उस समय की, सचिन को निकालना मतलब बहुत बड़ी बात था, और ना तो इतने प्लेयर हमारे बेंच में कि उनको निकाल के कोई आ जाए, आज की तरह का माहौल थोड़ी ना है कि पूरी टीम इंजर्ड हो जाए, बाकी पी टीम आके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जरूर चला, ऐसा तो था नहीं। तो सचिन ने क्या किया, एक सीरीज होने वाली थी, मुझे याद नहीं कौन सी सीरीज थी, सिलेक्शन हुआ उनका, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, आने वाली 2-3 सीरीज मीडिया पे खबर फैला दी गई कि सचिन इंजर्ड है, तो बड़े प्लेयर को निकाला जाता था या वो स्किप करते थे तो खबर आ जाती थी कि वो चोटी है, कौन देखने जा रहा है कि चोटी है, जो न्यूज आएगी वही न्यूज आए। सचिन ने 3 सीरीज से अपना नाम स्किप कर, उन्होंने खुद कहा सिलेक्शन कमेटी से कि आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, हम नहीं खेले, 3 सीरीज सचिन ने नहीं खेली। 6 महीने के बाद उन्होंने वापसी की, ही मेड कमबैक, और जब उन्होंने कमबैक किया तो क्या ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, फिर शतक बनाना शुरू कर दिया, खटाकर 2-3 शतक मार दिए, विदेशी बॉलरों को मार दिया। अब उनकी कॉन्फ्रेंस हुई फिर से वही सचिन का डेलो, तो कॉन्फ्रेंस से उनसे पूछा गया कि भाई व्हाट वाज द रीजन, वही सचिन जो इतना रन बनाने के बाद 6 महीने पहले छोटे छोटे बॉलर के सामने स्ट्रगल कर रहा था, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि आपने बिल्कुल अचानक से पलट दिया? तो सचिन ने बताया क्या स्टेटमेंट, सचिन ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं जहां से मैंने आज के 20 साल पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया था वो वहीं चला गया, मैं वहीं चला गया, उसी स्कूल में चला गया, उसी नेट पे चला गया, और जब मैं शुरुआत में क्रिकेट खेलना मैंने शुरू किया था तो मेरी आदत थी कि मैं रात को जल्दी सो के सुबह 4 बजे उठ के मैं अकेले प्रैक्टिस किया था, एक बॉल को मैं धागे में बांध देता था और अकेले खटाखट प्रैक्टिस किया था। मैंने फिर वही करना, मैं फिर वही 4 बजे जाके स्कूल के बॉलर को बुला के टेनिस के बॉल भिगो के मैंने फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया, और मैंने 6 महीने वही किया, यानी आई बैक टू माय बेसिक्स सिंस आई स्टार्टेड, है ना, जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं फिर वहीं पे अपने आप को लेके चला गया। अब आप सोचिए, एक बंदा जिसके पास इतनी शोहरत थी, जिसके पास इतने रुतबे थे, जिसके पास इतने पैसे थे, इतना उसका बड़ा नाम बन चुका था पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत बड़ा चेहरा बन चुका था, वो फिर वही करने चला गया, यानी वो उनसे रन क्यों नहीं बन रहे थे, क्योंकि वो अपना बेसिक, मैंने अब शुरुआत में क्लास में आपसे कहा था कि अपना बेसिक कभी मत भूलिएगा,
समझ में ना? Yes, sir. अब आप सोचिए, एक उतना बड़ा आदमी, एक उतने बड़े पे रहने वाला, वो अपनी बेसिक्स की बात कर रहा है कि मैं फिर गया हूँ, इंटरनेट प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दी, चार बीच में मैंने क्या किया, मैंने लेट नाइट पार्टियां शुरू कर दी थी, मैं पार्टी करता था, फंक्शन अटेंड करता था, प्रैक्टिस पे कम ध्यान देता था, फिर उसने प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया, फिर आगे फिर उससे रन करने लगे, फिर वो अच्छे अच्छे बारों की धुनाई करने लगे। तो हमें क्या करना है, अपनी बेसिक्स को नहीं भूलना। तो आपका सबसे पहले न्यूज पेपर बिल्कुल बेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूज पेपर आप कैसे समझोगे, और ये जो तरीका मैं आपके मैथड हूँ आपको जो शेयर, एक्चुअली इट इज 100% जेन्युइन, बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ है। इवन आई टेस्टेड माई सेल्फ, मैंने खुद पे टेस्ट किया उस चीज को, मैंने जाना कि उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था मुझे किताबी बातें नहीं पसंद, हम आए आदर्श वाली बातें करें, बड़ी बड़ी बातें करें, हम खुद ना देखें हम लोग, समझ में ना, हमें मोटिवेशन खुद की जरूरत है, हमें मॉनिटर, मॉनिटर होता ना, एक पद होता है मॉनिटर, पूरे बच्चों पे वो नजर रखता था, कुछ गड़बड़ होता था तो मास्टर साहब से डांट खिला देता था, एक पावर होती थी उसके पास, है ना। मॉनिटर का मतलब ये होता है मॉनिटरिंग करना, पूरा देखना। आप क्लास के तो मॉनिटर बने, लेकिन कभी जिंदगी में अपनी मॉनिटरिंग पूरी की हो? एक दिन आप अपने खुद के मॉनिटर बन जाओ, रात को जब सोने जाओ तो अपने आप को मॉनिटर करो कि मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या गलत किया, मैंने क्या क्या नहीं करना चाहिए था, मैंने क्या क्या करना चाहिए था। एक बार आप खुद के मॉनिटर, एंड यू नीड टू मॉनिटर योर सेल्फ, आप अपने खुद की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दो दोस्तों, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इजी। जिस दिन से आप, when you start doing your own monitoring, जब आप अपनी monitoring खुद करना शुरू करें, समझ में आया ना, तो आपको खुद का monitoring बनना। अब यहाँ पे आप क्या करो, न्यूज़पेपर आप सबसे पहले अपने हॉकर से संपर्क करना है, आज ही करोगे ना, बिल्यू क्या करोगे ना, है ना, आज ही संपर्क करोगे आप, कोई जरूरी नहीं कि संपर्क करोगे तो आपके यहाँ कल से न्यूज पेपर आने लगेगा, मैं ही नहीं पता, हो सकता है एक आध महीने आपको डेली पिंच करना, और खास करके जो एक दो कॉलोनी से आ रहे हो या सेम विलेज से आ रहे हो तो आपके यहाँ तो चांसेस ज्यादा है आ जाएंगे, क्योंकि जब चार पांच लोग इकट्ठे हैं उसके ऊपर फोर्स डालोगे तो फिर मैनेज कराना शुरू कर देगा। आता ही है जब हजम आपके तमाम आते हैं, अकबरपुर में आते होंगे, है ना, यहाँ पे भी आना शुरू हो जाएगा। हमें शुरुआत करनी है ना, शुरुआत करनी है ना, शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बिस्लरी का बोतल बेचने के लिए बिस्लरी को मेहनत करनी पड़ेगी ना, हाँ, तो वैसे हम लोग भी बिस्लरी बन जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत किया जाए, और कौन सा इसमें हमें पैसा लगा, डेली उसको कहना ही तो है कि यहाँ तू कर तू कर, तू लाया तू ला, एक दिन लाए लेते। क्या किए कि आप न्यूज पेपर वाले से कहोगे, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं न्यूज पेपर वाला जो था, ही हैज नाउ ही हैज बीन कन्विंस बाय अस, कन्विंस हो गया, कल से वो आपके घर पे एक न्यूज पेपर ड्रॉप करना शुरू करते हैं, राइट? यस सर। अब वो न्यूज पेपर लेकर आएगा, जाहिर सी बात है न्यूज पेपर जब आएगा तो न्यूज पेपर का चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा ना, सही, इंग्लिश न्यूज पेपर है पांच पांच रुपए का आता है, तो जब आप शुरुआत करोगे तो कुछ दिन बड़े जोश के साथ, है ना, जैसे बच्चा जब पांचवी क्लास से छठवीं क्लास में जाता है, जब उसका सेशन शुरू होता है अप्रैल महीने, तो चाहेगा मार्केट की किताब उताब लेकर आएगा, बुक डिपो से घर वालों के पैसा डालेगा, पापा मुझे किताब लेनी है, उसको पढ़ाई करना है, मतलब ऐसा जरूर चलेगा कि जैसे भाई आपकी